नमस्कार, आपके अपने चैनल सृजन नवाचार में मैं सुना शुक्ला स्वागत करती हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने उ मात्रा को बहुत अच्छे से आपको समझाया कि उ और ऊ में क्या अंतर होता है, ऊ को लिखा कैसे जाता है और किस चिन्ह के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ शब्द का इमला बोलूँगी, उसके सारे अक्षर स्क्रीन पर लिखे जाएंगे और आप उस पर स्वयं मात्रा लगाइए। तो इस श्रृंखला में जुड़ने के लिए पेन और पेंसिल लेकर तैयार रहिए। वीडियो के अंत में सारे शब्द दिए जाएंगे, उसमें मिलान करिएगा। जहां आपको लगता है कि आपने गलती किया है और आपको अभ्यास की ज़रूरत है तो एक बार पुनः उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तो आपको अपनी गलती समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करिए। जा दू ग र। सबसे पहले वही तरीका कि आप सारे वर्ण को गिनिए, सारे अक्षरों को गिनिए। जा दू ग र। तो कितने अक्षर हैं? तो सबसे पहले आपने लिखा जा, तो जा में उंगली नीचे और जा में मुंह खुल रहा है। जहां मुंह खुलता है वहां किसका डंडा होता है? आ का। जा दू दू, तो दू में क्या है? हाँ, फिर ग और फिर र। जादू गर। म ज भूत। आप सिर्फ देखिए कि मैं बोल कैसे रही हूं, आपको समझ में आ जाएगा कौन सी मात्रा कहां पर लगानी है। म ज भूत, मजबूत। म श हू र, मशहूर। त रा जू, तराजू। मूली, मूली। झू ला, झूला। क पू र, क पू र, कपूर। ख जू र, खजूर। जा सू स, जा सू स, जासूस। ऊ खा र, जहां पर नाक और होठ आपके दोनों ऊपर की तरफ जाते हैं वहां चंद्र बिंदु लगाया जाता है, यानी खू खार, खूंखार। पूड़ी, पूड़ी, पूड़ी। स बू त, सबूत। चूरमा, चूरमा। पालतू, पालतू। नीबू, नीबू। जुनूनियत, जुनूनियत। जुनूनियत, जुनूनियत। धूप, धूप। सूप, सूनापन, सूनापन। तो आशा करती हूं कि सारी मात्राओं का प्रयोग करके आपने शब्द का निर्माण कर लिया होगा। अगर कहीं आपसे गलती हो गई हो तो उसको दो बार जरूर पढ़िए, दोबारा उसको शुद्ध करने का प्रयास करिए। और जो मैं ये श्रृंखला को लेकर आई हूं, निरंतर उससे जुड़े रहिए। उम्मीद है कि इस श्रृंखला के अंत तक आप अपने शिखर पर जरूर होंगे। इसी उम्मीद के साथ, री मात्रा के साथ आपके समक्ष बहुत जल्दी उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।